नमस्कार, मैं हूं सुमेश जाकर और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सरकार के द्वारा सेना में भर्ती के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है, अग्निपथ। और वही अग्निपथ शायद अब सरकार के लिए अग्निपथ साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन मेरे दिखाएं कि किस प्रकार से आज चरखी दादरी में युवाओं के द्वारा सड़कों के ऊपर उतर करके इस योजना का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। तमाम जो युवा हैं यहाँ चरखी दादरी के बस स्टैंड के सामने यहाँ पर पहुँचे हैं, और बस स्टैंड के सामने पहुँच करके यहाँ पर इनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जरा अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर चरखी दादरी पुलिस भी मौके पर पहुँची है, रोड को जाम कर दिया गया है। और रोड को जाम करने के साथ साथ यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखेंगे, चाहूँगा कैमरामैन दूसरी तरफ दिखाएँ कि बसें जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर फंस चुकी हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर चरखी दादरी पुलिस जो है वो यहाँ पर बातचीत कर रही है। चलिए एक बार देखते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है। आरा महाराज करता कि मैं फर्क पड़ता हूँ बता दे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बार बार जो लोगों के द्वारा, जो युवाओं के द्वारा जो है हुटिंग यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जो है वापसी की जो मांग है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। जो अग्निपथ जो शुरू किया गया है उसको वापस लेने की बात की जा रही है। जरा भाई से पूछते हैं, जी भाई किस लिए खड़े हो? भाई साहब, ये दो दिन पहले जो अग्निपथ नाम की एक योजना शुरू की गई है, इसमें ये बताया गया कि 17.5 साल से 21 साल के बच्चों को लिया जाएगा, जिससे हमारा खुद मेरा या और भाइयों का जो टेस्ट हुआ था एयरफोर्स में आर्मी में वो भी रद्द कर दिया गया है, और फिर से फार्म भर के फिर अग्निपथ में गया जाए तो हमारा क्या होगा इसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बच्चों के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवा चाह रहा है कि उनको नौकरियाँ मिले, और उसे भी जरा बात करने की कोशिश करते हैं। भाई किस चीज़ के लिए खड़े हो? आर्मी के लिए सर। कहीं पर भर्ती देखी थी अभी तक? अब पहली बार देखूंगा आर्मी की भर्ती। नई जो स्कीम शुरू की गई है अच्छी नहीं लग रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लग रही। क्या 4 साल में क्या कर लेंगे हम? कुछ बॉर्डर पे मर जाएंगे फिर 4 साल में? 3 साल में फौजी तैयार होता है, 12 महीना ही ट्रेनिंग होती है, 6 महीना ही करती चीन चढ़ाई कर देगा तो ये 4 साल वाले क्या कर दे, ये बताओ आप है? कहीं ना कहीं एक डाउट है लोगों को डाउट है। जी भाई क्या कुछ लेकर के मांग ले आए हो? पहले मोदी ने नोटबंदी की, फिर घरबंदी की, अब फौजबंदी कर दी। एक भर्ती क्लियर करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसे क्या, तो सरकार हमारी मांगे मान ले, किसान जैसा आंदोलन होगा जब हम जनता है, हम सरकार से ऊपर है और हम अपनी मांगे मनवाना जानते हैं और यहाँ पर सुन सकते हैं किस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। खुद जो अजीत फोगाट हैं यहाँ पर, जो कांग्रेसी नेता हैं अजीत फोगाट, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा सभी को यहाँ पर संबोधित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए जरा क्या है। तो भाई अपनी एकता का परिचय दियो, कोई भी भाई यहाँ से जाएगा नहीं जब तक यहाँ कोई फैसला ना हो जाए, ठीक है? लगातार जो हुटिंग है वो हो रही है। जरा बात करते हैं कुछ और युवाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ उनके बात है, किस किस मांग को लेकर के यहाँ पर खड़े हुए। सर ये TOD लगा दिया इन्होंने, यदि बंदा NCC करके कम से कम 3 साल ट्रेनिंग करके NCC की 4 साल की जॉब कर दी, 4 साल में क्या कर लेगा बंदा? उसका कोई फ्यूचर नहीं उसके बाद, 3 साल NCC करके क्या करेगा, ये मेन बात है। कोई भर्तियां भी कैंसिल की है क्या? सारी आज तक जितने की पेंडिंग एग्जाम थे सारे कैंसिल कर दिए। अगस्त से न्यू रूल लागू किया है, उसके विरोध में TOD हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब कब तक ये रोड जाम कब तक रखोगे फिर? जब तक यहाँ पे कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये तो केंद्र सरकार का मामला है, यहाँ पे लोकल सरकार क्या करेगी? आज यहाँ पे हो रहा है, 20 तारीख को सभी भाई दिल्ली में होते हैं, संसद को घेरेंगे बिल्कुल। इंडिया बड़ा नया ऐलान यहाँ पर किया गया है, संसद को घेरेंगे। अजीत फोगाट यहाँ पर है, जरा इनसे बात करें। अजीत भाई क्या समस्या है? देखिए युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, केंद्र सरकार ने इस युवाओं को आज नरक के द्वार पे लाके खड़ा कर दिया है, अग्निवीर के नाम से इन युवाओं के साथ जो भर्ती का खिलवाड़ किया है वो युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये युवा इस सरकार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, परमानेंट भर्ती करे, परमानेंट 4 साल का मजाक ना बनाए युवाओं के साथ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप युवा का दोस्त देखिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आक्रोश है युवाओं के अंदर कि ये परमानेंट भर्ती करे, 4 साल के लिए युवाओं को अंधकार में ना झोंकोले। बात आपसे जानना चाहूंगा, कल मेरी बात हुई थी हरियाणा के जो भाजपा के
प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, हमने उनसे यही सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, हमें ज़्यादा जवान मिलेंगे, इन केस कभी इमरजेंसी होती है तो हम उन बच्चों को वो आगे बॉर्डर्स पर भेज। ये मजाक के अलावा कुछ नहीं है, 60,000 ले रहे हैं और रिलेशन के और ओपन भर्ती के 70,000 जवान लिए जाए थे तो भी 10,000 कम लिए जा रहे हैं। अच्छा। क्या की रोजगारी बढ़ गया है? बताओ, 3 साल की एनसीसी, 3 साल में बालक तैयार होगी भर्ती करे, 4 साल नौकरी करेगा, कुर्सा कानून है वो, 4 साल बाद हम किस लायक रहेंगे? ये बात बार बार उठाई जा रही है कि जब तक बच्चा 4 साल में वो कहीं 21-22 साल का होगा उसके बाद तक तो वो रिटायर होकर के वापस आ चुका होगा और वो ना बेरोजगार रहेगा और ना ही वो रोजगार पर रहेगा, ये बड़ी चीज है। तीन साल तो हमने एनसीसी की, 3 साल प्रैक्टिस की और नौकरी के लिए हमारे को 4 साल मिल रहे, कैसा कानून है ये? हम नहीं सहेंगे इसके लिए, यहाँ पर युवा नहीं सह रहे हैं। जरा हम युवाओं के बीच में जरा और चल कर बैठ करके बात करते हैं, यहाँ पर और युवाओं से बात करते हैं। जी भाई, कितनी भर्ती हम देखने के लिए तैयार थे? मैं भाई साहब 3 साल देखने खातर तैयार था, मेरी कलर की भी 21 साल कर दी, सारा 21 साल कर दी है भर्ती, और 4 साल के खुद ये फौजी बड़े अफसर नू गई, 4 साल में बंदो होने दुश्मन ने भी धूल घंटा ठस गया तो 4 साल में के घंटा फाट ले गए फौजी, फौजी मन खातर पूरा टाइम चाहिए भाई साहब, मारी कोई दुश्मन आई को नहीं सरकार सत्या हम लोग वापिस हो जाए बस ये कानून, और हम कोई नुकसान को नहीं करना चाहूँ भाई साहब, यही कहना हमारा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये सोच रही होगी इतने सालों की हम भर्तियां नहीं निकाल पाए तो इस तरीके से भर्ती दिखा देते हैं? किम्बे कौन सोच रही, स्वाद ले रहा सारा सब नगोज भरण की लाग रही है, और किम्बे कौन 4 सालों में ट्रे इंडियन आर्मी ने कमजोर बनानी, और कोई बात को नहीं, देश बेग बेच रखियो सारो सारी सब की सौदो बिक रहे हो, और कोई मैटर को नहीं अड़े हो भाई, देश बेच दिया क्या? देश बेच दिया भाई, सब की मैं प्राइवेट कर दियो, आर्मी प्राइवेट कर रखी है, इस तब क्या होगी हमारी सेना कमजोर होगी तो देश क्या करेगा? ये तो 4 साल की नौकरी करके खेता में लाइन डिसिप्लिन नहीं बदलेंगे, पैसठ जने मर गया मर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बार बार कि 4 साल की नौकरी के बाद ना कोई बेरोजगार रह पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के सभी बेरोजगार हो जाएंगे, 4 साल की नौकरी के बाद कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, लोगों को केवल और केवल चौकीदार की नौकरी मिलेगी, शायद सबको चौकीदार बनाने का। कुल 24 घंटों में 25-65 सुसाइड कर चुके उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी आज के दिन, ये एक काले कानून के लिए, एक काले कानून के चलते हुए 65 बच्चे थोड़े नहीं होते सर, एक परिवार से एक बच्चा जाता है, परिवार में क्या बीतती है वो परिवार ही जानता है। बिल्कुल, ये जो सारी चीजें हैं बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर चरखी दादरी के नायब तहसीलदार भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, जरा बात कर लेते हैं ये भी कि किस प्रकार से आगे इनका रहेगा। जी सर, आप कीजिए बात इनसे, हम भी जरा देखते हैं कि क्या कुछ रहता है, क्या कुछ और बात और बच्चों से बातें करेंगे। जरा चाहूंगा कैमरामैन आगे निकल के आ जाए, इधर आगे निकल करके आ जाए, और हम यहाँ पर जरा और लोगों से बात करेंगे। जी भाई, क्या गुस्सा है इन भाई से पूछो भाई, क्या गुस्सा आपका नहीं है? चलो भाई, भर्ती के लिए जा रहे थे? हाँ भाई। क्या कुछ थी? टीओडी वापिस करवानी है, टीओडी वापिस करवानी है। ठीक है, 4 साल की भर्ती की मांगे पूरी नहीं होंगी। ठीक है, हाँ तो अगर 4 साल के लिए भर्ती करता है तो वो गलत है सही है क्या मान के? गलत है वो, गलत है। ठीक है, कितने साल के हो गए? 18 का हो गया मैं। 17 के हो गए? 18 के। अब भर्ती के लिए तो तैयार हो गए? हाँ। देख भी रहे हो गए? हाँ, अभी देखनी है। अच्छा, लेकिन फिर भी अब कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यहाँ पर और भाई से पूछते हैं। जी भाई, क्या कुछ मांगे? पहले तो आपके जितने भी दर्शक है सभी को हाथ जोड़ के राम राम भाई। भाई ये जितने भी मुद्दे, एक मिनट भाई, ये राम से भाई, टीओडी का मुद्दा है, अगर कोई 18 साल का भर्ती बालक लग गया, ठीक है, उसको ना 21 साल पछो अपने घर ना आ जाएगा, ठीक है, 4 साल 22 का हाँ घर ना आ जाएगा, उसको ना तो मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, ना कैंटीन कार्ड की सुविधा, और ना पेंशन दी जाएगी, ठीक है, वो थी, सुनो भाई साहब, वो अपना आ जाएगा, फिर वो सीधा जगह अडानी अंबानी की कंपनी 15,000 में, ठीक है, सरकार के एक अपने वर्ग के चौकीदार लग जाएगा सीधी। हाँ, सरकार के एक यार, ये भाई देख, जिन्हें 5-5 साल हो ले लंगोटी बांध देन, मेहनत मार देन, ये देश की सेवा खतर बने, ना कि अडानी अंबानी के कंपनी खतर नौकर कौन बने रहे भाई 15,000 में, ठीक है भाई साहब, देख मतलब बालक इतने हताश हो रहे भाई साहब, सुसाइड कर गए, तो सरकार एक बात बताओ, विकास किसका कर रही भाई साहब? जी बिल्कुल, विकास किसका हो रहा है? जी भाई, सर हमारी आखिरी भर्ती थी, उम्र निकल गया, हम आगे क्या करेंगे, सुसाइड कर ले क्या? ये बताओ, 4 साल से वेट कर रहे थे भर्ती का, 5 साल तैयारी की, जब जाके फिजिकल किया, सब कुछ क्लियर किया, एग्जाम की तैयारी की 1.5 साल तक है, और सरकार ऐसे ही बोलती है कैंसिल हो गया, टीओडी लागू कर दिया, ये कौन सी युवा के साथ कोई आ जाती है क्या सर? युवाओं के साथ किस प्रकार का खिलवाड़, अगर इसको हम कहें कि जब भर्ती जो चल रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया,
कैंसिल करके भर्ती को और वापस से अब ये जो अग्निपथ जो है या अग्निवीर कहें इसको क्या कहें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाई दे रहा है कि ये जो युवाओं का जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए अग्निपथ जरूर साबित होगा। जी भाई, तो आज किस किस मांग को लेकर के आप यहाँ पर? और सर हमारे जो भाई उनको उम्र में छूट मिले और एग्जाम हो दोबारा से टीओडी को वापस लिया जाए सर, युवा के लिए बहुत ही खराब कानून है सर ये। कितने समय तक के लिए नौकरी होनी चाहिए कम से कम? नौकरी सर जैसे पहले सिविल वैसे ही रहनी चाहिए सर, ऐसे खिलवाड़ तो नहीं किया। परमानेंट लगाई जाने? हाँ सर परमानेंट नौकरी की मांग की जा रही है। जी भाई, भाई साहब नौकरी तो पूरी तरह से बंद कर दी, सन 2020 की नौकरी चल रही है ये। बच्चों को ऐसे किया जाता टेस्ट भाई 3 महीना बाद है, फिर 3 महीना तैयारी करे घर से, बालक यार सारे मजदूर कर फैमिली से, बच्चे घर से 10,000 रुपए लेते हैं, फिर फैमिली फिर कोचिंग सेंटर में तैयारी करते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है फिर सरकार देते हैं पेपर। तो भाई साहब सारे गरीब घर से है, भाई साहब कितने दिन तक तैयारी करेगी? कई कई तो भाई साहब हिम्मत हार चुके हैं, बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, सरकार की संवेदना हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है, एक जवान बच्चा जब 17 साल की उम्र में आता है तो वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं अगर उसकी आर्मी में जाने की इच्छा है तो उसके लिए पूरी मेहनत करता है, हर जगह पर मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद केवल मिलती है 4 साल की नौकरी। तो ये बड़ी बात है, 4 साल की नौकरी में क्या कर पाएगा कोई भी व्यक्ति, क्या कर पाएगा? जी सर, जी सर, जैसे मोदी साहब कह रहे हैं भाई 4 साल की नौकरी देते हैं, इसके ऊपर एक रीजन होना चाहिए। ये बनाना चाहते हैं मेड इन चाइना। मेड इन चाइना में क्या होता है, जैसे आम जनता एक फौजी है, उसको एक लिखित है कि भाई 5 साल सरकारी नौकरी करेगा फिर दाती को सिविल में नौकरी देंगे, या तो इन बच्चों को सिविल में नौकरी देनी चाहिए, 5 साल नौकरी करा के इन बच्चों को सिविल में नौकरी करनी चाहिए बगैर टेस्ट। जैसे हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, इनमें इन बच्चों को वैसे सेलेक्ट करो सीधा। वो कह रहे 25% बच्चे रखेंगे और बच्चे हो जाए 70% पास है तो बाकी 50% कहाँ जाएंगे, वो क्या चाय की दुकान खोलेंगे? बिल्कुल सही बात है कि 25% अगर रखना है और बच्चे ज्यादा पास होंगे तो क्या होगा? जी होगा वही पूछ रहे हैं, तो वो चाय बेचेंगे झाड़ू मारे क्या करेंगे रोड पर बताओ, चाय पीने 25% तो जी वो मैक्सिमम है, मिनिमम कुछ नहीं है। आप गूगल पे फोन पे भी कूपन आता है उसमें अप टू दिखा जाता है बैलेंस रिटर्न का, लेकिन कूपन सर्च आप करते हो क्रैश क्या निकलता, 5 रुपए मिनिमम कुछ भी नहीं है। कौन उनसे पूछने जाएगा कि 25% लिया है, 5 लेंगे 4 लेंगे। सही बात है, 25% की भी क्या गारंटी है, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, सवाल बन रहा है और सवाल को पूछना हर किसी का हक है। 25% में भी घुसखोरी चलेगी फिर, 25% है मेरा लाइजन है, मैं मेरा कराऊंगा, इसका लाइजन ये कराएगा, बाकी कहाँ जाएंगे? और एक चीज और भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि अगर 4 साल के बाद जब एक फौजी रिटायर होकर के वापस से अपने घर आएगा, जवान बच्चा है, आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं गलत रास्तों पे भी जा सकता है, सारे के सारे हथियार चलाने उसको आएंगे, पूरा ट्रेंड व्यक्ति होगा वो जो हथियार चला सकता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो बड़े जो घटनाक्रमों की भी कहीं ना कहीं संभावना है, उसके गलत रास्तों पर जाने की भी संभावना है। हालांकि जब हम बात करते हैं सरकार के नुमाइंदों से तो उनका कहना है कि इससे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, युवाओं को भर्ती मिलेगी, युवा को कभी इमरजेंसी में उनको कहीं ना कहीं फौज में दोबारा से लेकर के आया जा सकेगा, ये कहीं ना कहीं कहा जाता है, लेकिन जो खामियां हैं उनके ऊपर नजरअंदाज किया जा रहा है। जी खामियों को किस प्रकार से इस स्कीम में दूर किया? एक बात होता है, टीओडी की क्या जरूरत पड़ी है, जब पहले आराम जी चल रहा था ना सुरक्षा बजट बढ़िया अच्छा था, सुरक्षा नुकसान में चली जाएगी, इंडिया बर्बाद हो जाएगा इसके कारण, हर एक युवा आएगा ना वो सिर्फ बर्बादी सोचेगा। फिर इसी रेट पर नौकरियां जैसे 30,000 से लेकर के 40,000 तक की नौकरियां हैं और उस 30 से 40,000 की नौकरी में ये सब के सब ये कह रहे हैं कि भैया आप नौकरी करो। जी 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 थोड़ा सा आ गया आ गया आ गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कितनी वैकेंसी डाली थी, इसी रेट कम कर दिया, जो 35 से 40 उनको 30,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं देंगे, कहाँ जाएगा बच्चा? 4 साल की फौज कर दी, उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा? धर्म धक्के खाओगा, कोई हथियार उठाएगा, कोई कुछ करेगा, कितना गलत है ये? बिल्कुल ठीक बात है जी, ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और जो गड़बड़ है उसको सरकार को सुधारना चाहिए। जी भाई साहब क्या कहेंगे? ये कहेंगे भाई साहब जो आज ये बच्चे रोड, आप आर्मी में रहे हो? आर्मी में रहा हूँ मैं, अनिल नाम है मेरा, और ये जो बच्चे आज रोड पे हैं ये किसका क्या कारण है? सरकार की कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? सरकार का एक तरफ तो कहती है हम विकास कर रहे हैं, एक तरफ बच्चों को रोड पे ला रही है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। 2 घंटे से ये बच्चे घाम में धूप में बेरोजगारी से परेशान होकर रोड जाम कर रहे हैं, मगर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है, ये जाए तो जाए कहाँ? इस समस्या का कौन जिम्मेवार हो? क्या आप आर्मी में रहे हैं, क्या मानते हैं आर्मी में जो जवान है वो सैनिक जो है वो कितने समय में तैयार होता है ताकि वो देश की सेवा अच्छे से प्रकार से कर पाए? बच्चे की 20 साल माँ बाप
कोशिश करके उसको मेहनत करके पढ़ा के तैयार करता है और वो माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आर्मी में जाके इस देश की सेवा करे। और बच्चे आज देश में सेवा करने की बजाय इस अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। ये सरकार ने इनके लिए एक ऐसा समस्या खड़ी कर दी है, ये बच्चे कहीं के नहीं, पढ़ लिख कर अपना पैसा लगाकर ये बच्चे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि कोई रोज़गार मिले। पर रोज़गार देने की बजाय सरकार इनको तो एक पथ भ्रष्ट पर लेके खड़ी है, जो इनके पास कोई भविष्य ही नहीं है। सर कहीं ना कहीं भविष्य नहीं होने की बात कही जा रही है। और एक बार दोबारा से फिर से बातचीत यहां पर शुरू हुई है, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि दोबारा से बातचीत जो है वो बातचीत यहां पर शुरू हुई है। चरखी दादरी पुलिस मौके पर पहुंची है और जरा इनकी भी जरा सुनेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। बीच में ही निकल चुके हैं, जरा बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ किया जा रहा है। लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नायब तहसीलदार पहुँचे थे, पुलिस यहाँ पर पहुँच रही है, तो जरा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। चरखी दादरी के जो सिटी थाना SHO थे वो यहाँ पर अभी अवेलेबल थे, जरा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस दौरान में नायब तहसीलदार जी भी हमारे साथ हैं। जी सर, एज एन यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भेजा गया होगा आपको, तो कुछ बातचीत हुई है सर? बातचीत हुई, तो क्या कह रहे हैं युवा? ये है कि डी साहब आए वो हमारी सुन रहे हैं, DC साहब को बुलाने की बात है बस, आइए तो क्या आ रहे हैं फिर DC साहब बात सुनने के लिए? देखो करते हैं बात, करें बात, आएंगे करेंगे। चलिए कहीं ना कहीं आने की बात है, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, जरा हम उनसे भी जरा बात करेंगे। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। अजीत जी, क्या कुछ बातचीत हो पाई? SHO साहब से करो जी बात एक बार। जी SHO साहब कहाँ पर, जरा हम देख लेते हैं, देख लेते हैं इधर उधर कहीं पर कहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी SHO साहब, और शायद कहीं दूसरी तरफ निकल चुके हैं। लेकिन इस दौरान में मैं चाहूँगा कैमरामैन इस तरफ आ जाएं, जरा हम और कुछ युवाओं से बात करेंगे, जी भाई, क्या कुछ मामला है? TOD के उसके लिए मना कर रहे हैं, TOD का विरोध करने के लिए कर रहे हैं, तो सरकार मान रही है इसके लिए, जो आर्मी 4 साल की कर दी है ना उसके विरोध में कह रहे हैं। गुस्सा क्यों फिर 4 साल के लिए? अगर भर्ती हो जाओगे तो अच्छा नहीं, ये बात बंदा क्या करेगा घर पे आके, बेरोजगार हो जाएगा वो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हाँ अच्छा, पर भी तो रोक रहा है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, एक डर ये बड़ा सता रहा है। ये जी लास्ट ईयर का पेपर रहा वो भी नहीं करवा रहे, डेट बाय डेट पोस्टपोन कर रहे हैं जी, एक के बाद एक जो तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। और भाइयों से जरा पूछ लेते हैं। जी भाई, क्या कुछ मामला है? सेना में कमी आओगी जी, और क्या है, कोई जाओगे नहीं का, प्राइवेट हो जा रही है, प्राइवेट होगी, होगी तो होगी, प्राइवेट होगी। 4 साल में जो युवा जो भर्ती होगा 4 साल के लिए, वो उतना काम कर पाएगा सेना के लिए क्या? जितना नहीं कर पाएगा जी, सेना में भारी कमी आ जाएगी, विश्वास उठ जाएगा सेना पर, तो कोई नहीं जाएगा सेना में। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं सेना से जो है विश्वास कहीं ना कहीं उठ सकता है, ये युवाओं का कहना है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो परमानेंट जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं की जानी चाहिए। और इस दौरान में आप यहां पर देख सकते हैं लगातार जो है यहां पर नारेबाजी यहां पर हो रही है, आप यहां पर देख पाएंगे लगातार नारेबाजी हो रही है। और अब कुछ कांग्रेसी नेता और भी आ चुके हैं यहां पर, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला है। जी भाई राजू, क्या कुछ अब मांग बच्चों की है और क्या कुछ अब आप लोग इनके साथ में जा रहे हैं? जो मोदी ने चुनाव से पहले घोषणा की कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो महज छलावा साबित हुआ। मोदी के परसों जो घोषणा थी कि अग्निवीर के माध्यम से सिर्फ हम 18 महीने में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इससे बड़ा छलावा और क्या होगा युवाओं के साथ? इसी बात को लेकर भारी आक्रोश है। और न केवल भर्ती की मांग कर रहे हैं, बल्कि साथ में ये कह रहे हैं कि जिन युवाओं ने आत्महत्या की है उनको भी मुआवजा देना चाहिए। और इसी बात पे ये युवा अड़े हैं, जब तक प्रशासन के बड़े अधिकारी आके इनकी बात नहीं सुनते, ये साथी यूं के यूं बने रहेंगे। लगातार जो मांगे हैं वो ऐसी प्रकार से चलती रहेंगी, ये बड़ी बड़ी बात है। लगातार युवा जो अपनी मांग कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए, चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहे किस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और किस प्रकार से लगातार परमानेंट भर्ती की यहाँ पर मांग की जा रही है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो आर्मी की अगर 4 साल के लिए भर्ती निकाली जाती है, केवल 4 साल युवा को काम करने को मिलता है, तो आगे आने वाले समय में युवा बेरोजगार होंगे। और कहीं ना कहीं जो सेना की जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं, चारों तरफ चाहूंगा कैमरामैन चारों तरफ दिखाएं कि किस प्रकार से युवाओं का जो रोष है वो यहाँ पर भड़का है। और लगातार हम भी लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जरा चाहूंगा कैमरामैन इधर आ जाए, जरा और युवाओं से बात करेंगे। भाई कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हो? मैं ITI थी। तो आर्मी में जाने की इच्छा थी? हाँ जी। तो अब जाने के लिए रास्ता खुला है तो अच्छा लग रहा है? अभी तो नहीं है सर, 4 साल के लिए परमानेंट ठीक था। हाँ जी। अब 4 साल के लिए नहीं जाना चाहोगे? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं लोग पीछे हट रहे हैं फिर आर्मी की भर्ती के लिए? हाँ जी।
अच्छा, आज यहाँ पर जो लोग ये सभी लोग मांग करने के लिए पहुँचे हैं, क्या मांग है? ये परमानेंट के लिए पूछे हैं सर, जो पिछली भर्ती कैंसिल की हुई है उसके लिए भी इन्होंने मांग की है। जो पिछली भर्तियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, ये बड़ी बात है कि पिछली भर्तियां भी कैंसिल कर दी गई, और भी युवा यहाँ पर हैं। जी भाई, प्रैक्टिस कर रहे थे आजकल? हाँ जी, आर्मी के लिए। आर्मी के लिए सर। तो लग रहा है भर्ती हो जाओगे? हाँ लग रहा था भर्ती हो जाएंगे अब की बार, लेकिन उम्र में इन्हें कम कर दी, इसके लिए बच्चों का पेपर भी रद्द कर दिया पीछे जो भर्ती हुई थी उसका, और हमें पेपर में छूट दी, उसमें पेपर करवाया जाए, उम्र में छूट दी जाए और टीओडी ज्ञापन वापस लिया जाए। जी बिल्कुल, बार बार एक ही मांग की जा रही है कि परमानेंट भर्ती निकाली जाए, ये चार साल की जो भर्ती है ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, और भी युवा है यहाँ पर। जी भाई, लग रहा है चार साल की भर्ती कहीं पर काम करेगी? नहीं जी, कहीं काम नहीं करेगी। आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? आर्मी का स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी की तरह हो जाएगा। अच्छा, मैं खुद, मेरा एग्जाम था मेडिकल फिट हूँ मैं आज, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया इन्होंने तो। मेडिकल तक हो चुका था? मेडिकल हो चुका था, फिजिकल तो केवल जो लिस्ट की जो तैयारी थी वही, पेपर की तैयारी, पेपर वेपर रिटर्न बाकी था बस, रिटर्न इन्होंने बोला दो साल हो गए, हमने बहुत कोशिश की कोरोना के चक्कर में, इन्हें रद्द कर दिया। ये देखिए जी, केवल कोरोना के चक्कर में रद्द कर दिया गया है, और लगातार मैं चाहूँगा कि तस्वीरें जो हैं वो दिखाते रहें, और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फैसला यहाँ से निकलता है। हालांकि युवाओं के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक चरखी दादरी के उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं आएंगे, डीसी के साथ बात करने की यहाँ पर मांग की जा रही है, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये अपना जो धरना प्रदर्शन है वो शांत नहीं होगा। और यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि लगातार जो चरखी दादरी का मुख्य मार्ग है और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर युवाओं के द्वारा जो है रोड को यहां पर जाम कर दिया गया है। चाहूंगा कैमरामैन एक बार दूसरी तरफ का भी नजारा यहां पर दिखाएं, दूसरी तरफ का भी नजारा यहां पर दिखाएं कि क्या क्या हाल है। दोनों तरफ जो है जो रोड है उसको जाम कर दिया गया है युवाओं के द्वारा, और युवा जो हैं लगातार अपनी परमानेंट भर्ती की मांग को लेकर के यहां पर अड़े हैं, और लगातार इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जब तक है ना कोई भी बातचीत इनकी नहीं होती है, जब तक सरकार जो है दोबारा इनकी मांगों पर विचार करना शुरू नहीं करेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यहां पर चरखी दादरी के मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड के सामने ही यहाँ पर जो है ये युवा जो हैं ये अपना जो धरना प्रदर्शन है वो चालू कर चुके हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ कि चाहूँगा कैमरामैन आगे आ जाएं, और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ कि जो तमाम जो पुलिस व्यवस्था है यहाँ पर की गई है, पुलिस की काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया है, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी जो युवा हैं वो किसी भी तरीके से जाम को खोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से रेहड़ी और जो बेंचेस को लगा करके यहाँ पर रोड को जाम किया गया है। भाई किस मांग को लेकर के बैठे हो? भाई टीओडी रूल लगाया है, उसने हटाने के ऊपर मांग करने लग रहे हैं बालक, और ये रूल बहुत गलत है, इसमें बालक तीन साल की एनसीसी हो है, चार साल खातर बालक फौज नौकरी के ऊपर कर लेंगे, तीन साल की एनसीसी चार साल की फौज कोई मतलब है के? तो बिल्कुल बिल्कुल, चार साल के लिए क्यों भर्ती? जी भाई, कब किस तरीके से आप लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, क्या आप लोगों को आश्वासन चाहिए? हमने सर हमारी 15 साल ली चाहिए हमारी नौकरी, हमने या चार साल ली हमको नहीं रहा, परमानेंट जो नौकरी होती है नरेश मारता दे ही तोड़ता न हो गया, पाँच साल तो चार साल खातर हम मरण कौन जावा मुझे, 15 साल दे रहे तो हम उरे तटांगे। अच्छा भाई, क्या मानोगे ये ऐसा फैसला क्यों ले लिया सरकार ने, क्या लग रहा है क्यों ले लिया सरकार ने ये फैसला, क्या भर्ती नहीं कर पा रही? घटिया सरकार है भैया, ठीक है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है। जी भाई, कुछ आप भी कह रहे थे, सब कुछ प्राइवेट कर रखा है, कोई देश मतलब बात थोड़ी न हुई, आप सुन सकते हैं, खराब मट्टी कर दी देश का दावा नहीं सीधी सी कर दी, ठीक है किसान साहब बात है, फौज भेज दी सब कुछ बालक बिना नौकरी के हो गए, ज्यादातर तो देश की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में आ गई है। हां कंदी बिल्कुल कर दिया 25% के कर रहे हैं, किमे को नहीं हो है, ये खिलवाड़ कर रहे हैं ये युवाओं के साथ, 10 लाख की भर्ती हुई कहकर चार साल के बाद क्या करेगा युवा, तीन सालों में रणमाटी कर दी। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि चार साल के बाद जब युवा अपने घर वापस आएगा तो उसके बाद क्या करेगा, ना वो बेरोजगार रहेगा और ना ही उसके पास रोजगार रहेगा, बड़ी बात है। जी भाई, क्या कुछ मांगे हो, चलाओ भी कोई मांग, युवा
युवाओं की केवल एक मांग है कि किसी भी तरीके से जो परमानेंट जो भर्तियां हैं उनको शुरू किया जाए। और यहां पर युवाओं का आप रोष देख सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं, और यहां पर पूरे के पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। चाहे एक तरफ आप यहां पर देखें, चाहे दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से रोड को यहां पर जाम किया गया है। रोड को जाम करने के साथ साथ यहां पर उनके द्वारा लगातार ये जो मांगे हैं, ये मांगे यहां पर उठाई जा रही हैं कि किसी भी प्रकार से जो परमानेंट जो भर्तियां हैं, जो परमानेंट भर्ती है वो कहीं ना कहीं शुरू की जाए। लगातार हम आपको इस खबर पर बनाए रखेंगे, आप हमारे यहां पर बने रहिए लगातार। कुछ बच्चे और बात करना चाह रहे हैं, कुछ और बात करना चाह रहे हैं। जी भाई साहब, जी भाई साहब, पहला तो किसान है अरीब युवा लिया की रोड पर बंद कर दियो, ना तो नाश कर दियो देश की नींव ही दो चीजें। और ये रोड पर किसान कह रही है कि 10 लाख नौकरियां दे देंगे, क्या नौकरियां मिल युवा का तो बेरोजगार है। 10 लाख नौकरी कौन चाहिए, जो थो हो चाहिए, जो था वही सही। हाँ। भाई परमानेंट नौकरी नहीं निकाल रही है सरकार, 4 साल के लिए निकाल रही है, क्या क्या खामियां नजर आ रही हैं भाई? 4 साल बाद जो युवा दर किम काम करने रहो, कौन का 10 लाख रुपये दे देंगे, उनका करेंगे कि युवा यूथ नशे का लाग जाए और किम हो जाएगा, ये और कम होंगे। अगर आगे और कोई सुविधा भी कोनी, कोई ना मेडिकल सुविधा ना पेंशन सुविधा और किमें सुविधा कोनी और किम करें, तो युवा जाओ भी भाई। अरे 3 साल का एक चीज और पूछूंगा, पहले एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था जिसमें 5 साल के लिए नौकरी लगती थी, पहले वो 5 के लिए थी, अभी उसी चीज को 4 के लिए कर दिया, नीचे के अधिकारियों के लिए भी कर दिया, नीचे के जो सैनिक तक था उसके लिए भी। या का चीज चलिए, मजदूर और जमींदार के बड़का और किसी को नहीं, अफसर रैंक वाले भी भर्ती हो, अफसर आप को नहीं लागू है, यो यो है जो नॉर्मल सैनिक आप है, ये भी जो हुआ वो है, ये 4 साल खातर करेंगे तो इन्हें भेज देंगे वापिस, इनका तो आगे कोई सोर्स नहीं बचेगा, उम्र लकट जाएगी, आगे कहें कि तैयारी नहीं कर पाओगा, क्योंकि सरकार तो यह मांग है कि भाई इसने वापिस लो। जी बिल्कुल, वापस लो भाई, थोड़ा सा आप भी आगे आओ, क्या कुछ मांग रखोगे? तो 10 लाख की भर्ती थी, 4 साल का, 4 साल बाद क्या करेगी दुनिया, कुछ कौन बचा जमाना दो रहा, क्या करेंगे 4 साल, 4 साल बाद। यहाँ पर देखिए लगातार युवा जो हैं एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं पक्की की जाएं, वो कहीं ना कहीं पक्की की जाएं, और इंडियन आर्मी को जितना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है वो उतना स्ट्रॉन्ग यहां पर बनाया जाए। यहां पर आप देख सकते हैं, चाहूंगा कैमरा मैन एक बार दोबारा से दिखा दें कि किस प्रकार से लगातार जो जाम की जो स्थिति है वो यहां पर बनाई गई है युवाओं के द्वारा। युवा लगातार अपनी मांग को लेकर के यहां पर डटा हुआ है और लगातार युवाओं के साथ जो है प्रशासन जो है वो यहां पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन युवा क्या है कि जब तक उच्च अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए वो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस व्यवस्था जो है वो यहां पर चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहां पर दोबारा से बातचीत करने के लिए यहां पर पहुंची है, और यहां पर जरा सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत हो रही है। चरखी दादरी जो DSP हैं वो भी यहाँ पर आप मौके पर पहुँचे हैं, और उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो युवाओं के साथ बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ पे एक क्लर्क भी आ गए ना, वो चीज भी जाए है वहाँ पे, दुकान नहीं आ रहे हैं ठीक से, चुप हो जाओ कति। यहाँ पर देखिए कि लगातार जो बातचीत की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं हो रही है, और युवाओं को कुछ समझाने की यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। चरखी दादरी DSP जोगेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार युवाओं के साथ यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ रोड से हट करके और अपनी बात को यहाँ पर रखें। और यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कुछ बातचीत, लगातार जो बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं युवा आप ज्ञापन लेकर के भी अपना पहुँचे हैं, यहाँ पर युवा ज्ञापन लेकर के भी पहुँचे हैं। जरा हम युवाओं का जो ज्ञापन है, एक मिनट भाई जरा हमें दिखाएं, ये देखिए युवा अब अपना ज्ञापन भी लेकर के पहुंचे हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम अपना जो ज्ञापन है वो यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया और सभी युवाओं के द्वारा साइन किए गए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम। ज्ञापन भी भेज रहे हो? हाँ जी सर। जी किसको दे रहे हो फिर? सर DC साहब को। DC साहब तो यहाँ पर, तो DC साहब नहीं आ रहे, यहाँ पर DSP साहब आए हुए हैं, नायब तहसीलदार पहुंचे, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? आ जाएंगे सर, DC साहब आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए चरखी दादरी SDM अनिल यादव भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, जरा वो भी बात करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पर जरा बात देखते हैं कि क्या बातचीत होती है। भाई
उसका क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडीएम अनिल यादव के साथ जो युवा हैं वो बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एसडीएम साहब भी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं कि किसी प्रकार से युवाओं का जो रोष है, युवाओं का जो गुस्सा है उसको कहीं ना कहीं शांत किया जाए। युवाओं का सोनू फोगाट है इस, आप बात करो एसडीएम से। देखो जी कानून बनाए हैं इसके विरोध में, हमारे जो युवा कानून बनाए ये जो हमारी जो भर्ती चली हुई थी इसके खिलाफ में जो मीडिया ने जो उन्होंने राजनाथ नगर मंत्री ने कहा है कि ये अमित शाह ने ये कानून लागेंगे आगे सेना में भर्ती के लिए चार साल की होगी। आपका विरोध, हमारा विरोध ये है जी, हमारी फिजिकल हो चुके हैं, एयरफोर्स का टेस्ट हो चुका है, उनको भी बोल रहा है कि सर उसे वो लेंगे, हमें ये हम एक आदमी 3 साल के लिए एनसीसी करता है और 3 साल के लिए ग्राउंड प्रैक्टिस करता है वो 4 साल के लिए भर्ती होगा। हमने इनके इनके आपको पूरी चीज पता नहीं, आपको पूरी चीज नहीं पता है, पूरी काम पूरा पढ़ा लिया बताओ पहले उसी के बारे में थोड़ा सा, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा ना आप लोगों के बहकाव में आ जाऊंगे। जितने भी लिए जाएंगे उनमें से 25% का सर आगे भी वो परमानेंट के लिए जाएंगे, जो उनमें से बेस्ट होंगे का अच्छा सर वो तो जाएंगे सर। पहले सर एक बात बताइए सर, आप सर एक बात आप सर रिलेशन जो सरकार के रिलेशन में वही मैक्सिमम आगे सर हमारा फिजिकल और मेडिकल और हमारी इतने अगर बोलोगे एक साथ इतने बोलोगे तो बात नहीं सर। मैं आपसे एक ये लड़का बात कर रहा है, सारी सारी बातें तो कोशिश तुम्हारे सारों के जो मुद्दे हैं ना उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे शांति से। एक एयरफोर्स की जो भर्ती हुई है उसका भी टेस्ट हो चुका, उसकी लिस्ट नहीं लगी होगी और अभी ये बोल रहे हैं कि हम जो नहीं प्रक्रिया अग्निपथ से जो भर्ती करेंगे उसको उसी के तहत लेंगे। हमने इसके प्रति विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि हमने पहले पीछे से भर्ती देख चुकी है। आपको ये लगता है कि भाई ऐसा विरोध प्रदर्शन इस तरह से करके आप कुछ अचीव कर पाओगे? हम ओनली कानून को उनको दिखाना चाहते हैं जी, कानून को हम इस चीज के विरोध में है। लेकिन देख कौन रहा है इस चीज को, देख कौन रहा है? हम आम दिन तकलीफ में है। नहीं नहीं हम डीसी साहब और इनको ज्ञापन देंगे, हमने एप्लीकेशन ज्ञापन देने के लिए एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए कि जो एसडीएम है चरखी दादरी उनके द्वारा यहाँ पर बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की गई है और यहाँ पर जो ज्ञापन जो है शायद वो अब दिया जा सकता है। अभी पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं बीच बचाव की करने की कोशिश कर रही है, किसी प्रकार से युवाओं को मनाने की यहाँ पर जो कवायद है वो लगातार जारी है। कांग्रेसी नेता जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं बातचीत के लिए और किसी न किसी प्रकार से जो सारी बातचीत है उसको सिरे चढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो बातचीत है वो आगे बढ़ाई जा रही है, किसी भी तरीके से युवाओं को जो है वो यहाँ पर मनाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कानून जो इन बच्चों के ऊपर थोपा है उसके विरोध में ये आक्रोश आज बच्चों ने दिखाया है और ये बच्चे भर्ती कैंसिल हो, ये जो 4 साल की जो भर्ती परमानेंट भर्ती करें ये ज्ञापन आपको देना चाहते हैं डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम से। ये अब इनकी बात सुन लो एक बार सारे की, ये आर्मी से संबंध रखते ये भी और बहुत अच्छे आदमी। बताओ आप बोलो इसके बारे में पूरी तरह से पहले जानकारी ले लो, जैसी कि जो अखबार में आई है जितनी जानकारी आई है उसके आधार पर ये है कि जितने भी भर्ती होंगे उनमें से जो बेस्ट 25% होंगे उनको आगे के लिए परमानेंट लिया जाए, ठीक है? अभी पिछले 2 साल से तो भर्ती आपकी हो ही नहीं रही थी, उसमें भी रोक थी। इसके अंदर कुछ और भी लिख रखा है, सारी चीजें लिख रखी है, फांसी खाई, इसको मुआवजे की मांग, जो हमारी सर भर्ती कैंसिल की है, जो रिजल्ट फिजिकल इसका मेडिकल हो चुका था और एक फोर्स की जॉइनिंग कैंसिल की है, 2 साल में लिख रखी है। वो आपका मुद्दा जायज है, जैसे 2 साल में वो लेट हो गए बच्चे, उनकी उम्र का कुछ खामियाजा हो सकता है इसी के लिए।
देख सकते हैं आप लगातार जो है जो बातचीत की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन युवाओं की जो हुटिंग है वो बंद नहीं हो रही है, और इस दौरान में भी लगातार जो बातचीत की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से युवाओं को मनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर जारी है कि किसी तरीके से युवा जो हैं रोड से हट करके और अपने अपने घरों को निकलें और ये जो रोड का जो पूरा ट्रैफिक है उसको सुचारू किया जा सके, और जो युवाओं का जो रोष है उसको कहीं ना कहीं आगे जो उनका जो ज्ञापन है जो उसको ज्ञापन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए। तो ये तमाम जो कवायदे हैं यहाँ पर चरखी दादरी SDM अनिल यादव जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है, किसी तरीके से युवाओं को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जहाँ युवा जो है अपना बोर्ड जो अपना बैनर लेकर के भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली 20 जून को दिल्ली पहुंचने का उनके द्वारा यहां पर आह्वान किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 20 जून को जो दिल्ली पहुंचने का जो आह्वान है वो यहां पर जो किया जा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। चाहूँगा कैमरामैन जो बैनर है उसको अच्छे से दिखाएं यहां पर कि किस प्रकार से 20 जून का जो न्योता है सभी युवाओं के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं एक दोबारा से युवाओं से यहां पर बातचीत करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। आपने बता दिया आप इतनी पढ़ाई की लिखेगा, आपने इतनी मेहनत की जिंदगी यहाँ तक पहुँचे हो, अगर आपको ये कह दे कि आपकी सारी प्रक्रिया अलग है आप घर पर आ जाओ तो आपको कैसा फील होगा? हम आपकी फीलिंग जानना चाहते हैं। मेरी फीलिंग जानने के साथ साथ मैं आपको तभी तो कह रहा हूँ कि आपके सुनने के लिए आए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। जो आपने बात जिस तरफ वर्बली बतानी है मौखिक रूप से भी आपने बता दी, और जो लिखित में दे रहे हैं वो भी लेने के लिए। और SDM को अगर आप कोई अधिकारी नहीं समझ रहे तो शायद आप भूल कर रहे हो। नहीं जी, SDM हमारे तहसील का बेस्ट अधिकारी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाओ, आप लोग अपना अपना मुद्दा रखो, उसको पॉलिटिक्स के हाथ में ना जाने दो। आपकी पूरी तरह से जो बात की सुनवाई यहाँ है वहाँ जाके कुछ एक्स्ट्रा सुनाई होगी उसकी? नो सर, सोचने समझने की बात है, इतना ही रखो। आगे जाएगा तो आपके थ्रू जाके पता है, उसके बाद भी आप लोग जीत कर इस बात चीज है। मैंने इसीलिए तहसीलदार को भी नहीं भेजा, मैं खुद आया ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप तो समझदारी का परिचय दो और उसके बाद अपना जो भी अपना काम करो। और यार मैं वो थोड़ी आ गया, पब्लिक परेशान होगी, सभी से बात कर लो, मैं कर लो आज नहीं दर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो बातचीत जो की प्रक्रिया जो यहाँ पर की जा रही थी कि युवाओं को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया जा रहा था, चरखी दादरी SDM अनिल यादव स्वयं यहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो उनकी मांगों को आगे पहुँचाएंगे। और यहाँ पर अनिल यादव जी हैं, जरा इनसे भी जरा हम बात करके देख लेते हैं कि क्या कुछ बातचीत है। जी सर, क्या कुछ 4 साल की भर्ती को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में तो इनके सुनने के लिए आए हैं ताकि इनको कोई मुद्दा है इनकी बात को सुननी है या इनका कोई ज्ञापन देना है उसके लिए आया हूँ, और इनके बातें भी सुन ही रहे हैं कि क्या विचार हैं। बीच बीच में कई तरह के लोग हैं तो वो अलग अलग मुद्दों के उससे भटक भी रहे हैं, तो जैसा ही इनको समझ में आया इनको बता दिया कि दे दीजिए ज्ञापन, दे दीजिए मैं लेने के लिए आया हूँ। सर, उपायुक्त महोदय को भी बुलाने की यहाँ पर बात की जा रही है, उनसे बातचीत करने की बात की जा रही है, क्या उनको बुलाया जाएगा? उसकी अभी जरूरत नहीं है, मैं कैपेबल हूँ और मैं ही रिसीव कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप भी आर्मी में रहे हैं, आपको भी लगता होगा कि क्या कुछ अभी जो किया जा रहा है वो कितना सही है? 4 साल के लिए भर्ती कितनी जायज़ है? इसके विषय में मेरा अपना अलग है, इसके बारे में मेरा कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन जो कुछ ना कुछ जो भी इनके मुद्दे हैं जो इन्होंने बातें बताई हैं वो सरकार जिनको निर्णय लेना है उन तक हम रखेंगे, और वो जो पूरा न्याय इनके साथ होगा, अगर कोई इनके जायज मांगे हैं तो वो सरकार के सामने रखेंगे हम। सर, ज्ञापन दिया जा रहा है फिर आपको? हाँ, तो ज्ञापन अभी कर रहे हैं, दे रहे हैं, बातचीत कर ज्ञापन दे रहे हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लगातार जो युवाओं का जो रोष है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और युवाओं का रोष जो है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी मांगों को कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर पहुँचाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, और लगातार जो है लगातार जो बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करी जा रही है। किसी भी प्रकार से बातचीत करके युवाओं का जो गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे युवा जो हैं रोड से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि उच्च अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जाए, जब उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद ही जो उनका ज्ञापन है वो उनको देंगे, अपनी जो मांगे हैं वो उन्हीं के माध्यम से वो रखना चाह रहे हैं। लेकिन इस दौरान में यहाँ पर आपको दूसरी तरफ भी दिखा दें कि जो चरखी दादरी SDM अनिल यादव वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और उनके द्वारा लगातार जो कोशिशें हैं वो ये की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बातचीत जो है वो सिरे चढ़ जाए। यहाँ पर राजू मान जी हैं, राजू भाई कोई बातचीत हो पाई है इनके साथ? जैसे SDM साहब भी पहुँचे हैं, नायब तहसीलदार भी पहुँचे थे, कुछ बातचीत हो पाई? देखिए युवाओं में बड़ा आक्रोश है, वो चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय यहाँ पे आए, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में युवा है और सिर्फ वो मांग ये कर रहे हैं कि उपायुक्त आए और इनकी बात सुन लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं, उनको आके इनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि इन्हीं से देश चलता है। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार का मामला है, यहाँ पर लोकल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, हरियाणा सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, केवल केंद्र का मामला है, कहीं ना कहीं केंद्र के स्तर पर ये मामला उठना चाहिए और बच्चों को जो अपना ज्ञापन है वो भेज देना चाहिए। सोमेश भाई आपने पीछे भी देखा होगा, तीन जो काले कानून थे, कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किए थे, उस वक्त कितलाना टोल पे धरना चला था, एक साल तक चला, वो भी केंद्र सरकार का था, उसके बावजूद भी स्थानीय स्तर पे धरना चला था। आज युवा में है, प्रधानमंत्री की बात को लेकर बड़ा आक्रोश है, और यही वजह है कि इनकी बात सुनी जाए, और उसका एक माध्यम है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़े यहाँ पे उपायुक्त हैं, तो उनके आके युवाओं की यहाँ पे बात सुननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं जिला के, उपायुक्त महोदय, उनके को यहाँ पर बुलाने की यहाँ पर जो तमाम जो कवायदे हैं वो की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ आप दिखाते रहें लगातार जो युवा हैं वो अपना जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर रहे हैं, और लगातार जो युवाओं के द्वारा जो प्रदर्शन है उसकी वजह से जो सड़क है वो जाम हो रखी है। और आपको मैं दूसरी तरफ का भी थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, दूसरी तरफ का भी नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर रोड जाम है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे सरकारी बस यहाँ पर रुकी हुई है, और बिल्कुल पीछे ही बिल्कुल जो है यहाँ पर बस स्टैंड है, और दूसरी तरफ का भी यहाँ पर नज़ारा मैं आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ भी आप देखेंगे लगातार जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी, हालांकि प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पीछे शुरू कर दी गई है। इस वजह से आप यहाँ पर पीछे देख पाएंगे कि आगे कुछ ज़्यादा जाम नहीं बन पाया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जा चुका होगा, और इस वजह से यहाँ तक जो है वो यहाँ पर जो ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर नहीं जाम हो पाया है। हालांकि जो रोड है वो रोड को बंद कर दिया गया है, रोड के बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ये जो तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं ये खराब हो रही हैं, और रोड को बंद करने की वजह से शायद जो प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुँचा है, और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तमाम वो कवायदे की जा रही हैं कि युवाओं का जो रोष है उसको कहीं ना कहीं शांत किया जा सके। युवा लगातार अपना रोष प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और आपको एक बार फिर से दिखा दें युवा जो हैं वो लगातार अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आकर के दिखाए किस प्रकार से यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर मना किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी बार बार बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भाई हमारे साथ, जरा इनसे बात करते हैं। युवा शक्ति बहुत गहरे संकट में है, आर्मी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, इसे हमारा क्या होगा? क्या चाहते हो, क्या किस तरह की भर्तियाँ निकले? पुरानी प्रक्रिया हो, ये पुरानी प्रक्रिया से ही भर्ती? हाँ यस ठीक है, पुरानी प्रक्रिया से ही भर्ती हो जी भाई। 3 साल भाई साहब NCC करते हो गए, 3 NCC का भी चक्कर मेट दिया, कुछ चक्कर नहीं, NCC भी खत्म कर दी, आर्मी भी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं, सब कुछ बेच दिया। हाँ लेकिन कोशिश तो सरकार ये कह रही है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख का क्या करें, हम 75% जब बाहर हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? ये बात भी बिल्कुल सही है, केवल 25% को यहाँ पर रखने की बात की जा रही है, और उसमें भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हालांकि जो जवान जो भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके वो जो भर्ती होता है वो तो ऑलरेडी वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और उसके बाद आर्मी में रह करके तो उसको और ज्यादा फिट एंड फाइन बना दिया जाता है, तो इसमें 75% को निकालने वाली क्या बात है, केवल 25% ही क्यों रखा जा रहा है, ये बड़ी बात है।
जी भाई क्या कह रहे आर्मी आर्मी के फिजिकल ने भाई 1.5 साल हो गया फिजिकल मेडिकल होने एनसीसी सर्टिफिकेट भाई लाग रहा है एनसीसी का टेस्ट माफ है लेकिन आप अचानक पेपर रद्द कर दिया कैंसिल उसका भविष्य के रह गया उसकी एज भी हो लिया ये जो नई भर्ती वो कौन देख सकता है बिल्कुल ये भी मैं बता दूं 2 साल हो गए हैं 2 साल हो चुके हैं और लगातार जो है वो कोई भी भर्ती नहीं हुई और यहाँ पर देखिए दोबारा से कुछ बातचीत दोबारा से कुछ बातचीत जो है यहाँ पर शुरू की जा रही है और यहाँ पर आपको दिखा दें कि क्या कुछ बातचीत इस दौरान में यहाँ पर हुई है जरा इनसे बात करेंगे भाई क्या कुछ बातचीत हो पाई है अभी तक प्रशासन के साथ डीसी साहब को बुलाना है सर यहाँ पे बोले डीसी साहब आएगा नहीं डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा यहाँ पे डीसी साहब को बुलाने के लिए कहीं पर बातचीत जो आप कर रहे थे उसके ऊपर कुछ बातचीत अभी सिरे चढ़ी है हम आए डीसी साहब क्या करेंगे यहाँ पे आगे ये बोलेंगे डीसी साहब तो ये भी कैमरा हमको दे डीसी साहब से 4-5 बंदों को मिला देंगे तो क्या आप उनकी बात को मान रहे हो क्या नहीं सर सर वहीं पर बैठे रहोगे हाँ सर उपायुक्त महोदय को ही बुलाना चाहिए हाँ सर अगर वो आ जाते हैं तो उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त होगा वो सर सभी की सहमति है होगा तो सभी सहमति से होता कि मैं समाधान कट रहे जब पे तो टांगे हैं नूर ये 4 साल करती बाढ़ पास सिखाने लग रही है मतलब इसका लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा मामला केंद्र सरकार का है यहाँ का लोकल प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा ना हरियाणा की सरकार कुछ कर सकती है तो केंद्र सरकार तक तो मामला हाँ सर पहले सर बात की थी वो बोल रहे थे कि ये ना भर्ती चालू की जाएगी दोबारा पर्ची पहले जैसी सर अभी टीओडी लागू कर दिया सर कौन जिम्मेदार 84 बच्चों ने फांसी खा ली है बिल्कुल सही बात है तो लगातार हो गए सर फिजिकल मेडिकल फिट थे हमारे कैंसिल एयरफोर्स का ज्वाइनिंग पेंडिंग थी वो कैंसिल कर दिया गया वो सब कुछ पेंडिंग कर दिया सर कैंसिल कर दिया सर कैंसिल सब कुछ जो बच्चे अब इंतजार कर रहे थे कि भर्ती हो जाएंगे जिनका फिजिकल हो चुका था मेडिकल हो चुका था केवल टेस्ट बाकी था ये बड़ी बात है इसको कैंसिल क्यों किया गया जी भाई सर 4 साल हो लिए भर्ती की तैयारी करते हुए आखिरी में 4 साल से तो भर्ती निकाली नहीं है एकदम आई लाइफ नू बर्बाद कर दी 4 साल का रूल ला कि नू जिंदगी बर्बाद कर दी 17 साल का था जो 17 साल का था वो 21 साल का तो हो चुका है केवल 1 साल बचा उसके पास अगर उसमें भर्ती नहीं होता तो नहीं बचे 6 महीने कौन फौजी बन जाता है सरकार बोल रही कि जो 4 साल करके उनको नौकरी देंगे यहाँ पे जो बेरोजगार बच्चे BA MBA के उनको नौकरी नहीं है ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं क्या करेंगे हम बिल्कुल सही बात है ग्रुप डी की नौकरी क्या करनी पड़ी एक तो सभी सरकारी नौकरी खत्म कर दी आर्मी थी एक हाँ भाई जो सरकारी जो बच्ची हुई थी अच्छी खासी वो भी बंद कर दी अब तो अब कब तक आने की बात की जा रही है कि उपायुक्त महोदय कुछ नहीं बता सर कोई बातचीत नहीं अभी कुछ नहीं है दोबारा बातचीत कोई करने की इच्छा है अभी कर रहे हैं सर बच्चे कर रहे हैं तो लगातार आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो युवा हैं वो युवा जो हैं अपने यहाँ के प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाते रहें कि किस प्रकार से जो तमाम जो यहाँ पर बातचीत की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किस प्रकार से की जा रही है आप यहाँ पर देख पाएंगे पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार जो बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है।